शुभ बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मंडली मार के बाजू। यस, जो दिल से चीज़ें होती है वो हमेशा पूरी होती है, और मंडली का था बॉन्ड हो या चीज़ें सपने देखने का वो तरीका हो, वो पूरा होता है। और लास्ट डे हम भी सरप्राइज थे कि हम दो थे, हम बहुत ज़्यादा जंप करे पागल बने, ब्रो तू और मैं बचा है ब्रो, यही तो चाहिए था। जो निमृत ने भी यही कहा था। जी हाँ, निमृत ने भी यही कहा था। और माहिन के घर के पास जब बैठे थे, हम बोलते थे यार ऐसा हो जाना। पहले तो ये था कि हम फिनाले में जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं था यार, सब ट्रेन में बैठ गए, हमारा नंबर आएगा कि नहीं आएगा। फिर था कि हम दोनों बच जाएंगे, सब सपने पूरे हो, और मंडली के हाथ में ट्रॉफी है और हैप्पी है, घर में ही ट्रॉफी आई। जब टॉप थ्री से प्रियंका जब आउट हुई, आप शॉक्ड हुए थे इस चीज को लेकर? मैं शॉक तो था बट खुश ज़्यादा था कि हम दोनों थे। सच्ची बोलूँ तो वो डिजर्विंग है कंटेस्टेंट, इसलिए टॉप फाइव में थी, और उसके साथ जो भी फाइट होती थी हमारी, तो वो जब मुद्दे उठाती थी तो वो एज अ प्लेयर सच्ची में मुझे पहले दिन से मैं अप्रिशिएट करता, पहले वीक से मैं अप्रिशिएट करता हूँ। लड़ता था उसके साथ बट जब भी चांस मिलता था मैं अप्रिशिएट भी करता था। तो मुझे लगता है शॉकिंग था बट मेरे लिए ज़्यादा हैप्पी था कि मेरा दोस्त और मैं साथ में हूँ। जिस तरह से मीडिया इंटरेक्शन दौरान आप सवाल किए गए थे इंसिस्टेंस है कि आप शिव के कंधे पे बैठ कर यहाँ तक पहुँचे, आपको लगता है कि वो सही था या डिजर्विंग थे? बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि शायद शिव के साथ नहीं होता एमसी, तो और किसी के साथ होता तो भी एमसी के हाथ में ट्रॉफी होती, क्योंकि वो बंदा रियल पर्सनैलिटी दिखाने वाले शो में रियल पर्सनैलिटी दिखा रहा था और वही लोगों को पसंद आया। ट्रॉफी के लिए कभी उसने वो वाली चीज़ नहीं की जो बाकी लोग लड़ रहे थे, उसने एक था कि चिल कर रहा था, कूल कर रहा था, वही लोगों को पसंद आया और उसका हक है उस पर। और वो किसी के साथ भी होता तो ट्रॉफी उसी के हाथ में होती। सपनों का क्या, आपके सपनों का क्या, जो इतने सपने देखे थे बिग बॉस की ट्रॉफी आपके पास होने के? कभी कभी क्या होता है सपने सपनों तक लाके भगवान थोड़ी चीज़ छोड़ता है कि आपके जो चीज़ें होती वो आपके दिमाग में ना जाए और आप भूखे रहो, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप भी तो आपको लड़ना है, यहाँ तक आपकी जर्नी ख़त्म नहीं हुई, सपना बड़ा है ना, बड़े पर्दे का है, तो आपको भगवान भी वही वे से लेके जाता है जो हमारे सही होता है। मुझे लगता है कि जब मैं मराठी से यहाँ पे आया था तब कुछ था कि कुछ लोग जाने मुझे जो ऑल ओवर इंडिया के, तो थोड़े बहुत भी जानने लगे तो मेरे लिए वो मैंने कमा लिया जिस चीज़ के लिए आया था, और कुछ रास्ते ओपन भी हो रहे, डोर ओपन हो रहे मेरे लिए, बस और क्या चाहिए मुझे। वैलेंटाइन का समय है, सबसे पहले बताइए जो फैंस को तो ऑलरेडी आप गिफ्ट दे चुके हैं, बट आपका क्या प्लान है वैलेंटाइन डे को लेकर के? वैलेंटाइन का यार प्लान तो बहुत रहते हैं, पर मंदिरों में जाऊंगा पहले मैं वो गर्लफ्रेंड का तो अभी मतलब वो वाले अभी फिलहाल जो टाइम है अभी मेरे को तो थैंक्स बोलने हैं, सिद्धिविनायक जाना है, बाकी वैलेंटाइन का अभी प्लान किया नहीं मैंने कुछ अभी। वैसे अपनी इस पूरी जर्नी को कैसे देखते हैं आप? मेरा एक सपना था और मैंने वो बहुत दिल से जिया है, शिद्दत से जिया है, और उसको देख के मुझे मज़ा आता है कि जो भी चीज़ें मैंने पहले दिन से की वो मज़ेदार थी। सलमान खान ने जो आपने पूरी जर्नी के बारे में डिस्क्राइब किया वो बड़ा मतलब इमोशनल मोमेंट था, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो मैं बहुत हैप्पी था कि सलमान खान ब्रो अपनी तारीफ कर रहे। आप देखोगे कि एक अमरावती में जब आप कॉलेज में जाते हो तब सलमान खान की मूवीज़ देख के बॉडी बनाना चालू करते हो, और एक दिन ऐसा आता है कि सलमान खान आपकी तारीफ करते हैं और थोड़े टाइम के बाद आप उनके साथ बैठ सकते हो, इससे बड़ा क्या होगा ब्रो। मतलब एक वो सिटी में रह के सब लोग दोस्त होते, सलमान खान ब्रो एक दिन जैसे ऐसे दूर से भी देख गए ना तो चलेगा, मैं उनके साथ बैठ के आया हूँ, वो तारीफ किए, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, पापा का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। बिग बॉस को कितना मिस करने वाले हैं, और लास्ट अपने मराठी फैंस को मराठी में जरा बिग बॉस को मिस क्या करूँगा, बिग बॉस का हाथ है मेरे ऊपर और बिग बॉस को कभी भूल भी नहीं सकूँगा, बिग बॉस की वजह से मैं यहाँ पे हूँ, मराठी हो हिंदी हो, और मराठी फैंस के साथ साथ मेरे ऑल ओवर इंडिया के जिन्होंने मुझे उतना लायक समझा कि मुझे वोट किया, मेरे लिए जो भी वो वीडियोस बनाए, तो ब्रो सबको लव यू, और आप मेरे साथ खड़े थे, मैं हमेशा आपके साथ खड़े रहूँगा, आपके सपने पूरे हो, मैं बापा के पास प्रे करूँगा और सपने देखो सपने पूरे होते, थैंक यू। मराठी में भी मराठी लोगों के लिए और सबके लिए सर्वांना खूब खूब धन्यवाद, आभाळा एवढं प्रेम तुम्हाला, तुम्ही माझ्यासोबत उभे होते, आणि ही दुसरी पायरी होती माझ्या स्वप्नाची जी महाराष्ट्राच्या बाहेर पण लोकांपर्यंत पोचवायचं होतं मला।